नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। हमारे चैनल चारू चौधरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। परिकल्पना क्या होती है, अगर आप रिसर्च वर्क जो है वो कर रहे हैं या रिसर्च टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हाइपोथेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम जानेंगे हाइपोथेसिस क्या है और कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में। उससे पहले दोस्तों, फटाफट से आपको क्या करना है, एक बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, घंटी की शेप नज़र आ रही होगी, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने से क्या होगा, मेरे द्वारा जितनी भी वीडियोस होंगी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, हाइपोथेसिस क्या है ये जान लेते हैं हम, क्योंकि रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब मान लीजिए कोई भी समस्या है तो उसके लिए सबसे पहले जो संभावित या प्रस्तावित जो आइडिया है उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी होंगी टिपिकल, यहाँ पे मैं आपको एकदम इजी वे में जस्ट समझाना चाहती हूँ। तो परिभाषाएं तो अगर आपको रटनी है तो आप अपनी बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या है और एग्जांपल्स के जरिए हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कैंसर जो है वो किससे होता है, तो सबसे पहला जो संभावित आइडिया आपके माइंड में आया कि वो तंबाकू से या गुटखे से होता है। तो ये क्या हो जाएगा, समस्या का संभावित हमारे पास में जो सॉल्यूशन है, हमारे माइंड में जो आइडिया आता है सबसे पहले, वो जो कि हम सोचते हैं कि शायद तक इस कारण ये होता है, तो वो सॉल्यूशन मतलब अगर गुटखा लोग नहीं खाएंगे तो कैंसर जो है उसकी संभावना भी कम होगी। तो ये क्या है, एक आइडिया है जो सबसे पहले हमारे माइंड में, जो ये सोचते हैं कि ये शायद तक इसका रिजल्ट हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर क्या होता है, रिसर्च में हम उस आइडिया को लेके चलते हैं और रिसर्च करते हैं, फिर चाहे हम सर्वे करें, चाहे हम लोगों से डायरेक्ट पूछें, इंटरव्यू करें, और लास्ट में हम फिर देखते हैं कि हमने जो सोचा था कि गुटखे से कैंसर हो रहा है तो ये वाली बात सही है या नहीं है। तो ये बात फिर निष्कर्ष बाद में निकाला जाता है। तो हाइपोथेसिस क्या हो गई, आइडिया, संभावित आइडिया, ठीक है। अभी ये आइडिया क्या क्या हो सकता है, किस तरीके की हाइपोथेसिस हो सकती है, तो सबसे पहले हमको हमारे माइंड में आइडिया कहाँ से आ सकता है, एक तो संबंधित साहित्य का अध्ययन, जैसे कि अगर हमने पढ़ा है उसके बारे में कि कैंसर किससे हो रहा है, ऑलरेडी कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जो गुटखे के पैकेट रहते हैं उसमें भी लिखा रहता है। तो बहुत सारे जब आपने अध्ययन किया है, कुछ साहित्य पढ़ा है, उससे संबंधित जो भी डेटा है वो इकट्ठा किया है, वो सब जब आप पढ़ते हैं उससे अगर आपके माइंड में आइडिया आता है तो ये भी एक हाइपोथेसिस जो है वो उसका जरिया हो सकता है। हमारे माइंड में जो आइडिया है, जो समस्या का समाधान है, वो एक तो हो सकता है हम साहित्य पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन किया हमने तो संबंधित साहित्य का अध्ययन हो गया। दूसरा पूर्वाग्रह हो गया, हमको पहले से ही पता है कोई चीज़ हमारे माइंड में है। मान लीजिए कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अभी ये आपके माइंड में बचपन से ही है और आप देखते भी आए हैं कि अचानक से लगी लड़कियां रोने लग गई, लड़के नहीं रोते इतनी जल्दी, लड़कियां जल्दी से भावुक हो जाती हैं, अगर कोई पिक्चर भी देखी तो लड़कियां जल्दी भावुक हो जाती हैं, लड़कों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो ये क्या चीज़ है, आपके माइंड में बहुत पहले से ही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये आप हाइपोथेसिस है उसको दे सकते हैं, परंतु इसके लिए आपके पास में क्या था, पहले से ही कोई ज्ञान था, पहले से ये चीज़ें जान रहे थे। और तीसरा अनुभव, आपको कुछ अनुभव है, इतने समय आप इतने बड़े हुए हैं आपके माइंड में, तो बहुत सारे दूसरों के विचार, कई सारी जो चीज़ें हैं उससे जो हाइपोथेसिस है वो बनाई जा सकती है। हम कई समस्या के बारे में जानते हैं तो उसके समाधान के लिए हम बहुत सारे सोर्स होते हैं हमारे पास में, तो उनसे भी हम जो हाइपोथेसिस है वो बना सकते हैं। तो हाइपोथेसिस जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो हाइपोथेसिस मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है, दिशापरक, दिशाविहीन और शून्य, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और नल हाइपोथेसिस। तो मेन जो टाइप्स हैं वो तीन रहती हैं। अभी दिशापरक जो डायरेक्शनल है वो भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक में क्या होता है कि सबसे पहले जो आप देखेंगे दो तरह के डेटा रहते हैं, कौन कौन से डेटा रहते हैं, चर रहते हैं,
वेरिएबल्स रहते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आएगा। ये दोनों जो वेरिएबल हैं क्या हैं, जैसे कि हम मानते हैं अगर कोई व्यक्ति अधिक अध्ययन, अगर लोग जो हैं ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो ज़्यादा जॉब लगने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा लोग ज़्यादा जॉब लगने की संभावना कब रहती है, जब लोग पढ़े लिखे रहते हैं। तो जब लोग पढ़े लिखे रहते हैं वो तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट क्या हो गया, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा जॉब लगती है, तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट है, ज़्यादा जॉब लगती है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि अगर लोग नहीं पढ़े तो जॉब है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रहता है डिपेंडेंट, एक रहता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो रहता है जो चेंज नहीं होता है, और डिपेंडेंट वो होता है कि इंडिपेंडेंट चेंज हुआ तो डिपेंडेंट अपने आप चेंज हो जाता है। मान लीजिए, तो ये एग्जाम्पल जैसे एक धनात्मक और ऋणात्मक मैं दोनों का ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतनी ज़्यादा बंदे के जॉब लगने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक हाइपोथीसिस है ये, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन ज़्यादा जॉब लगने के चांसेस। दूसरा है ऋणात्मक, जितनी ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे क्राइम जो है उतने ही कम होंगे, ये एक हाइपोथीसिस है। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो रही है एजुकेशन और उसका नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मतलब क्राइम जो है वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों आपको विपरीत दिख रहे होंगे। वहाँ पे जब हम धनात्मक की बात कर रहे थे, ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा जॉब के चांसेस, यहाँ पे है ज़्यादा पढ़ाई और क्राइम जो है वो कम है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हाइपोथीसिस होगी। तो ये तो बात हो गई दिशा परख की। दूसरा है दिशा विहीन। दिशा विहीन क्या होता है, इसमें यह है कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उसका फर्क तो पड़ता है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इन दोनों का आपस में रिलेशन तो है, परंतु क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पे तो हमने एग्जैक्ट बता दिया कि जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा जॉब लगने के चांसेस हैं, यहाँ पे कैसा धनात्मक पड़ेगा ऋणात्मक पड़ेगा असर, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कुछ डिफरेंट होती हैं। अभी डिफरेंट होती हैं ये तो मान लिया, परंतु किस तरीके से होती हैं, क्या अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस बारे में एकदम क्लियर नहीं कहा जाता है, तो वो होता है दिशा विहीन। यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक का पता नहीं चलता है, बस ये पता चलता है कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र चर और डिपेंडेंट होता है आश्रित चर, इन दोनों में आपस में रिलेशन तो है परंतु किस तरह का रिलेशन है इसके बारे में नहीं पता होता है। और लास्ट है नल हाइपोथीसिस, शून्य। इसका मतलब ये है कि दोनों जो वेरिएबल हैं उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, सबसे सेफ परिकल्पना है इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है वो नल हाइपोथीसिस ही ली जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए, उदाहरण देते हैं कि यहाँ पे अगर फ्लावर्स को पानी दिया जा रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है वो उस पानी पर डिपेंड नहीं करती है। जो भी बात कही जाती है, मान लीजिए जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतनी ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी रिलेशन नहीं दिखाया जाता है, वो होती है नल हाइपोथीसिस। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जो भी जैसे हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी ज़रूरी नहीं है कि क्राइम कम हो, क्राइम बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी हाइपोथीसिस है जिसको ये नज़रअंदाज किया जाता है, गलत ठहराया जाता है, वो होती है शून्य हाइपोथीसिस। तो बेसिकली दोस्तों, हाइपोथीसिस क्या है, जो हम हमारे पास एक समस्या है, ये समस्या है हमारे पास में, मान लीजिए हमको, हमारी समस्या ये है कि आजकल कम उम्र में बच्चों के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं। तो उसका एक हम सोचेंगे कि किस कारण हो रहे हैं, तो उसका कारण हो सकता है कुपोषण।
तो ये जो कुपोषण है जो हमारे माइंड में हो सकता है, हमने ये अध्ययन करके लिया हो या हमें पहले से पूर्वाग्रह हो या फिर हम अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, तो हमने ये लिया, उसके बाद हम बहुत सारे तरीके अपनाएंगे। हो सकता है सर्वे करें, लोगों के पास जाएं, जिनके जिन बच्चों को ये समस्या है उनसे बात करें, डॉक्टर से बात करें, कई सारे लोगों से हम बात करेंगे और फिर हम जाके डेटा कलेक्ट करने के बाद में, उसको एनालाइज करने के बाद हम पहुँचेंगे निष्कर्ष पर। तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या वास्तव में सफ़ेद बालों का कारण कुपोषण है या नहीं। तो यहाँ पे जाके फिर हम देखेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या हुई, जो हमारे माइंड में आइडिया है कि शायद तक ये चीज़, ये समस्या का कारण ये है और ऐसे समाधान हो सकता है, तो ये होते हैं हाइपोथेसिस। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा हाइपोथेसिस क्या है। अभी फिर भी इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर और भी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस पर तो मैं आपके लिए बनाऊँगी। अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।